वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं एंड मजे में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, नाइमा रेडी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए। न्यू फोन आया है, मजा आ रहा है स्कूल जाने में नाइमा। मैं तो स्कूल को बोल दे रही हूँ, बहुत अच्छा स्कूल में पहली बार। ये आया है जिसे पहले होते थे ना फोन, क्योंकि हम लोग ने जियो फाइबर लगवाए हैं ना, तो उस वजह से क्या है इसमें लैंडलाइन नंबर रहता है, तो उस वजह से कि घर में एक होना चाहिए। शौक भी होता है कुछ, इनको बड़ा शौक है इस तरीके से पुराना उस फोन हो। मैं तो मना की हूँ, पता बहुत बार मत करिए, मत लाइए, इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन बट उन्होंने नहीं। अब देखते हैं कौन सा कलर वाइज, तो हम लोग को ब्लू वाइट और रेड पसंद आया था, बट उन्होंने बोले कि कलर का कोई वो नहीं रहेगा। मैं इसको खोलती हूँ, खुलने को खाली छोड़ो बेटा, ना मैं छोड़ दो। तो कौन सा कलर है आप लोग को भी ना मैं जाओ शीरिन, नाइमा रेडी हो गई है? मम्मी अभी तक रेडी नहीं हुई है, बस मम्मी रेडी हुई और चली नाइमा को छोड़ने। ठीक, अब मैं इसे ब्लेड से खोलती हूँ। पकड़ी हो नाइमा? हैंड दूर रखना है इससे। तो क्या बोली मैंने? हैंड दूर रखना बोली, नहीं तो पता चला कटक जाएगा। कटक क्या होता है? व्हाट इज दिस कटक? अरे कट जाएगा, कटक जाएगा। ओह माय गॉड, खुल गया। देन सो सो ओफो, ये आया बॉक्स। अब इसको साइड करते हैं, व्हाइट कलर आ गया। व्हाइट नहीं पसंद किए थे बिल्कुल, मैंने तो बोली थी व्हाइट नहीं, और देखो व्हाइट ही आया है। ये वाला लिए हैं जो कि वॉल में लगेगा और एक स्टाइलिश लगेगा बहुत। ये ले रहे थे जैसे बॉक्स होता है ना, और उठा के कॉलर आईडी और वो सब, इसमें भी सब कुछ फंक्शन है, बट वो वाला ले रहे थे तो मैंने मना कर दी, उतना बड़ा उतना मज़ा नहीं फिर उसको रखो। तो ये क्या है, वॉल में लगेगा ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा इस तरीके से, तो फिर इन नजू ने ये वाला मंगवाए हैं, ऑनलाइन ही आया है ये भी। छोड़ दो छोड़ दो, ये हो गया उसका वायर। ओ वाइटी कलर ही आया है यार, रेड आ जाता तो कितना अच्छा होता सही में। वाइट ही कलर दिए हैं, वाइट दिखेगा नहीं ना उतना, और गंदा भी होगा। हाँ मेन वही है। ये देखिए ये रहा, देखिए कितना छोटा सा है, यहाँ से वायर फंसेगा आई थिंक। हाँ वहीं से है, और ये ऐसे रहेगा, और ये रहा है इसमें दिखेगा नंबर वगैरह। ये देखिए कितना अच्छा है फोन, जैसे इसको यहाँ से इस तरीके से नाइमा ऐसे कान में लगा के बात करेगी। हाँ नाइमा कैसे? हेलो, हाय। नाइमा ऐसे नहीं, ऐसे दिखाते, ऐसे बात करेंगी नाइमा फोन में कान में लगा के, और इसमें दिखेगा नंबर सब बताएगा। और ये देखिए इस तरीके से वाइट कलर का ही दिया है, वैसे ठीक लग रहा है, बट वॉल में उतना दिखेगा नहीं। रेड कलर मज़ा आता, और ब्लू वाइट भी था वो भी बहुत, मतलब जो हमने नहीं सोचे थे वो कलर आ गया, लेकिन ठीक है क्या करें, ऑनलाइन में इसी तरीके से होता। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कलर का कोई इशू नहीं है, मतलब कोई भी हम दे सकते हैं। ओह माय गॉड, पसंद आया ना आपको? कुछ भी कहें, कितना खूबसूरत लग रहा है, वॉल में लगेगा तो और भी लगेगा। इसके बाद मैं नाइमा को रेडी कर चुकी थी, अब मैं स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी, और बस मैंने नाइमा को स्कूल ड्रॉप किया था, उसके बाद मुझे सीरीन के एडमिशन के लिए आगे 6th क्लास में मैं फॉर्म लेने जा रही हूँ।
मैं जब सीरीन थर्ड क्लास में थी तब से ट्राई कर रही हूँ स्कूल में, बट नहीं हो रहा है। यहाँ पर यहाँ क्या रहता है कि एक भी बच्चा निकलता नहीं ना, इस वजह से यहाँ नर्सरी से करवाना पड़ता है। जैसे नायमा का हुआ है नर्सरी से एडमिशन, वैसे ही आपको करवाना पड़ता है ना। और दूसरे बच्चे बीच में बिल्कुल नहीं आते, बट कोशिश करने में क्या जाता, मैं इतने सालों से कोशिश कर रही हूँ। जब वो थर्ड क्लास में पढ़ती थी, आज वो फिफ्थ में है, अब मैं सिक्स क्लास का फॉर्म लेने जा रही हूँ। मना तो कर दी उन लोग ने, बट वो लोग भी क्या है कि बाय चांस किसी का ट्रांसफ़र हुआ या कुछ ऐसा, इस वजह से वो लोग फॉर्म भराते हैं, आगे का नहीं पता होता उनको। तो मैं जा रही हूँ फॉर्म लेने एडमिशन, तो मैंने नायमा को ड्रॉप करते क्लास में मतलब छोड़ दिया था, और मैं यहाँ गाड़ी वगैरह रख के और मैं जा रही हूँ। यहाँ पर ऑडिटोरियम है पलौटी स्कूल का, जहाँ पर डांस वगैरह होते हैं, कोई भी फंक्शन होता है। देखिए कितना प्यारा हॉल है, बहुत बड़ा सा। सो मुझे भी नहीं पता था इतना अच्छा यहाँ पर है अंदर, क्योंकि इतना बड़ा स्कूल है ना, तो मैं इतना पूरा घूम ही नहीं पाई हूँ। नायमा का जाती हूँ जो कि एकदम अंदर जाके है, और ये देखिए एक्सरसाइज की पूरी मशीनें वगैरह लगी हैं यहाँ पर। तो इतना अंदर है नायमा का, जाओ और नायमा को ड्रॉप करो और आ जाओ, बस इसी तरीके से। बाकी ये बड़े क्लास का मुझे उतना नॉलेज नहीं। ये देखिए ये भी इधर साइड भी पीछे का है हिस्सा, सो कितना ज़्यादा है इधर क्लासेस वगैरह है। जो फ्रंट में ऑफिस मैंने आपको दिखाई थी एक बार कि मैं जगह ऑफिस गई हूँ, तो और ये बैक साइड का है, यहाँ पर सब बच्चों की ये देखिए साइकिल वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह, स्कूटी, ये सब रखी रहती है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ फॉर्म फिलअप करने, वहीं पर करूँगी। ये तो ड्यूटी गए हुए थे, तो मैं खुद चली गई और इसका फॉर्म वगैरह भर दूँगी, क्योंकि हम ये पलौटी हमारे घर के जस्ट सामने ही स्कूल है, और मुझे सीरीन को कितने दूर भेजना पड़ता है स्कूल, वो बस से जाती है। इसीलिए अभी तो फ़िलहाल मैं लेके जा रही हूँ, ला रही हूँ। अभी एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है, उसके चलेंगे, स्कूल लगे हैं अभी, तो क्योंकि कुछ टाइम का है इसलिए मैं चली जाती हूँ, ला लेती हूँ अभी। और ये देखिए यहाँ से मैं जा रही हूँ, अब गेट है, और ये कितना बड़ा है, देखिए पीछे बैग, यहाँ पर क्लासेस वगैरह लगती हैं। ये देखिए नो एंट्री भी लिखा है। और मैं जा रही हूँ ऑडिटोरियम में, ये देखिए कितना बड़ा और इतना अमेजिंग सा, एकदम ऐसा लग रहा था फिल्मों की तरह, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर बड़ा सा। और इसमें सर बैठे हैं, और ये देखिए ये रहा फॉर्म जो कि मुझे फिल करके और यहीं सबमिट करना है। अब मैं इसको फिलअप कर दूंगी और यहीं पर सबमिट करके मैं भर के पूरा दे दूंगी, क्योंकि पता नहीं किस्मत, फिर दुआएं करेंगे कि इंशाल्लाह हो जाए उसका, क्या बोले, इतना तो कोशिश कर रहे हैं। और मैंने जमा कर दी हूँ फॉर्म, अब मैं जा रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ और मैं जाऊँगी घर। सो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितना बड़ा हॉल है, अच्छा लग रहा है ना आप लोग को भी, और रियल में देखने में ना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। और बस मैं बाहर निकलती हूँ, घर वर जाऊँगी, काम वगैरह करना है थोड़े बहुत घर के, और फिर वापस इन लोग को लेने के लिए मुझे निकल जाना है। और मैं पता, यहाँ पर इतना प्यारा ये पेड़ था, इसमें रहा नहीं गया, मैंने अपनी पिक्चर्स काफ़ी सारी ले ली थी, एकदम लग रहा था कि इतने सुंदर लग रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि पिक्चर्स वगैरह ले लो, तो फिर मैंने ले ली थी पिक्चर्स। मैं बाहर निकली हूँ और ये देखिए यहाँ पर कितने सारे बच्चे वगैरह हैं, और कुछ शायद प्रेयर या फिर आई थिंक कुछ हो रहा है, बच्चों को बाहर निकाले हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी मैं आई थी ना तो पूरा खाली था, और अभी देखिए, और बच्चे दिख रहे हैं ना आपको कितने कलरफुल दिख रहे हैं, क्योंकि किसी के पास यूनिफॉर्म उतनी ज़्यादा नहीं है, तो सारे बच्चे देखो कितने कलरफुल दिख रहे हैं। सो मैं अब चलती हूँ नायमा को, घर जाऊँगी फिर नायमा को लेने। सो मैं आ गई हूँ शीरीन के साथ नायमा को लेने, और नायमा की छुट्टी होती है 1 बजे। और ये देखिए डक हैं कितनी प्यारी, तो इन लोग ने क्या करते हैं, ब्रेड वगैरह लेके आते हैं। सीरीन को बड़ा मज़ा आता है कि मैं भी जाऊंगी ब्रेड लेके और इनको खिलाऊंगी, तो ये सीरीन आई हुई है साथ में और डक को ब्रेड दे रही है, और जब नायमा आएगी ना तब भी वो उस समय भी वो दोनों मिलके फिर खिलाती हैं। बट नायमा क्या थोड़ा थक जाती है क्लास में, तो थोड़ा सा उसको लगता है कि जल्दी से घर पहुँच के मतलब नहाए धोए रिलैक्स करें, उसको ये लगता है। और आज के घर में बस AC चालू कर दो, TV चालू कर दो, आराम करूंगी, इस तरीके से बिहेव करती है। देखिए कितने सारे पेरेंट्स हैं। और फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पर, और नायमा को बस लेना है हम लोग को। देखिए काफ़ी सारी भीड़ है, अब हम लोग नायमा को लेते हैं। अब वो रही नायमा, क्या
रे वाह नामा को स्टार मिला मैम से। चलो चलो आगे चलो। हाँ जेब है ना नाइमा का। चलो ना बाहर निकलो। हाँ हाँ ठीक है चलो लगा देंगे। चलो चलो हाँ दो जाओ ना ना ब्रेक दे दो। नहीं वो बोर हो गई है वही वही करके जाओ दो ना ना। जाओ ना मैं देना आगे जाओ आगे कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।